नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। हरदोई मेडिकल कॉलेज का सुरेश खन्ना ने किया भ्रमण। मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित समय में मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक कराएं। हरदोई आज वित्त मंत्री, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी के द्वारा जनपद का भ्रमण ब्लॉक टंडियावा के ग्राम गोरा डांडा में नव निर्माण राजकीय मेडिकल कॉलेज के शासकीय भवन, छात्र छात्रावास, प्रयोगशाला आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल की खिड़की दरवाजे के साथ निर्माण की गुणवत्ता के बारे में राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज का निर्माण लक्षित समय में मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कराया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट साथ जनपद के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद में मेडिकल कॉलेज के भ्रमण पर सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज के अंदर बंद है छात्रावास से लेकर अन्य भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा मेडिकल कॉलेज में जेई तथा अन्य कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण निर्धारित समय पर गुणवत्ता पूर्ण तरीके से कराया जाए। काय की जिम्मेदारी बनती जो कल बवाल हुआ दिल्ली में किसान रैली को लेकर खतरा हुआ है ट्रैक्टर को ऐड ये विपक्ष के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं किसानों को। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जहां तक इस मेडिकल कॉलेज का सवाल है, हमने आज यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उनके और लैब तथा जो यूजी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है। इस पर जो भी हमने पाया है उसके अनुसार हम लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं। खासतौर से जो सेकेंड फेज के मेडिकल कॉलेजेस निर्माणाधीन हैं उसी में से एक हरदोई भी है, उसकी प्रगति को देखने के लिए आए थे। मंत्री जी, यहाँ पर निरीक्षण की सूचना भी थी, इसके बाद भी कुछ यहाँ पर श्रमिक जो काम कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, इसके लिए क्या करना? लक्षित समय में काम पूरा हो, क्वालिटी के साथ हो, यही अपेक्षा है सरकार की। बिना सेफ्टी बेल्ट के सर बन रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी निर्देश देना हो गए वो संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं सर, और हर हालत में काम लक्षित समय में। सर कल ट्रैक्टर रैली निकली थी उसमें। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।